नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में निकली भर्ती के बारे में। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में हो रही है। आगे जाकर बड़े विस्तार में जॉब के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और ये जो भर्ती है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल और एंड गैस, पेंटर गैस, मैंशन कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक टर्नर, ऐसे बहुत से पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 958 है। पे स्केल आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा एज पर रूल्स कहा गया है। यहाँ पर जॉब लोकेशन कोटा तुलकाबाद है, तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग तो कोटा तुलकाबाद में होगी। और ये जो भर्ती है इसके यदि आपको अप्लाई करना है इसे तो आपको मिनिमम 10वीं पास होना ज़रूरी है और ITI पास इन एनी डिसिप्लिन उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती हो रही है। एज लिमिट यहाँ पर 15 से 24 साल है, यानी 15 से 24 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और रूल्स के आधार पर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। अप्लीकेशन फी आपको भरनी है, वो कितनी है वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है और अधिकतम आप 19 जनवरी 2019 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 19 जनवरी 2019 तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने का। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन कर इस पोस्ट को अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। यहाँ पर इस आर्टिकल पे आने के लिंक जो है हमने इस आर्टिकल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, जिस पर आप क्लिक कर इस आर्टिकल पे आ सकते हो जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट gbtjob.com पर पब्लिश किया गया है। और डाउनलोड वहाँ पे क्लिक कर आप इस PDF को लोड कर सकते हो और ये जो लिंक है उस पर क्लिक कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भर्ती है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा जारी की गई है। पूरी जानकारी आपको बताई गई है, यहाँ पर हिंदी में जानकारी बताई गई है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और जानकारी प्राप्त करने में। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है और जैसे हमने कहा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो एज पर रूल्स जैसे होता है आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन आपकी ली जाएगी, 170 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है और ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। 70 + 100 रुपीज़ यानी 170 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है जिसे आपको भरना है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो 16 जनवरी तक ऑनलाइन, यानी रजिस्ट्रेशन आप 16 जनवरी के पहले आपको करना है। लास्ट डेट आगे की है, पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो 16 जनवरी तक ही आप कर सकते हो और 19 तक आप आपका जो एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आवेदन करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी हिंदी में बताई गई है और PDF की लिंक हमने इस आर्टिकल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की गई है, तो आपको यहाँ पर आने के लिए दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी हमने प्रोवाइड की है, जिससे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा भर्ती जारी की गई है, तो जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। और ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ऐसे जॉब्स की जानकारी आपके दोस्तों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आई है तो। पर हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है और आप ज़रूर लाइक करोगे। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।